बरेली में पुलिस की टीम अलायंस बिल्डर्स के निदेशक की कोठी सील करने पहुंची। इस दौरान कोठी सील करने के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। गैंगस्टर एक्ट में आरोपियों की 35.1 करोड़ की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। बता दें कि अलायंस बिल्डर्स के सभी 6 निदेशक की संपत्ति पर ताला लगना है। उसी के क्रम में आज कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट सदर को नामित किया गया था प्रशासक, और उसी के क्रम में आज कार्रवाई कर रही है। युवराज जो गैंग के सदस्य थे उसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। टोटल अमाउंट करीब 35 करोड़ का है, और ये जो संपत्ति है इसकी ये 4,44,00,000 की, 4,44,00,000। आगे भी जारी रखी जाएगी, हाँ कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी, और लोग जो गैंग के मेंबर होंगे, हाँ सब पे कार्रवाई होगी। देखिए, जैसा एसडीएफ सदर साहब ने बताया आपको, एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 2 महीने पहले थाना इज्जत नगर में, उसके बाद गैंगस्टर पंजीकृत हुआ था थाना कैंट में। उसी के क्रम में 14(1) की जो गैंगस्टर नियमावली के तहत कार्रवाई होती है, उसमें टोटल 35 करोड़ की संपत्ति आइडेंटिफाई की गई थी। उसमें से आज 4,44,00,000 की संपत्ति जो कि गैंग के सदस्य युवराज के नाम है, वो आज कुर की जा रही है, और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी कुछ आने वाले कुछ दिनों तक। अभी तक क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है अलायंस बिल्डर्स के खिलाफ? अभी तक देखिए आप, गैंगस्टर में चार्जशीट चली गई है, उसके बाद संपत्ति आइडेंटिफिकेशन हो गया है, और भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं शशांक बरेली से। शशांक, क्या है पूरा मामला? उदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, अलायंस बिल्डर के अरविंदर सिंह और उनके पार्टनर के साथ भी आज कोठियां पुलिस ने सील कर दी है। 13 नवंबर को इज्जत नगर थाने में बीडीए के अवर अभियंता रमन कुमार ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के 447, 420, 467 और 468, 469 और 471 के साथ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम में षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होने वाली है? आगे भी पुलिस इनके जितने भी संपत्तियां उनको आगे कार्रवाई करेगी और उन्हें सील करने का काम करेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका शशांक। और ये पूरा मामला बरेली से है, जहां पर पुलिस की टीम अलायंस बिल्डर्स के निदेशक की कोठी को सील करने पहुंची थी।